بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن गुरुजी ने मेरा बताया उनका क्या नाम है चले मेरा आप ना आगे बताई जाना खुद बताना है आप लोगों ने बताना है सूरह रहमान तीन बार अल्लाह पानी इतनी मैंने तकरीरें की हैं ना इन्होंने बड़े गौर से सुना है सारा बात ये बात इतनी सी बतानी है मेरा ही नंबर वंडी जाओगे मैं किन्नियां डील करेंगे मैंने आप सिर पीड़ शुरू हो गई ये आप बताएंगे सेम रिजल्ट आएंगे ये मैं कह रहा हूँ ये वाला जो मैसेज है इतना मैसेज आप दे सकते हैं सूरह रहमान सात दिन सुन लें तीन बार अल्लाह करके पानी पी लें बस दिल साफ कर लें एक तो लोग दिल साफ नहीं करते एक लोग शर्मिंदा नहीं होते ठीक है ऊपर से ये तस्बीहें वजीफे कर रहे होते हैं साथ कॉल ज़्यादा हो जाता है और फेल कम होता है जब कॉल ज़्यादा हो और फेल कम हो तो ये भी मुनाफ़त है पकड़ा जाता है बंदा उसकी समझ नहीं होती इंसान कल्ब सख्त हो जाता है शैतान की तरह ये जोम आ जाता है कि मैं तो बहुत नेक हूँ वो बंदा अल्लाह ने डिक्टेशन देना शुरू कर देता है अल्लाह की मखलूक में खामियां देखना शुरू करता है ये भी गुनाहगार है इसका भी सर नंगा है इसने गला बड़ा पहना हुआ है इसने लिपस्टिक क्यों लगाई है इसकी दाढ़ी नहीं है इसकी मूछें क्यों है अल्लाह कहता तू अपना पता कर तू मैनू भी लगे कर तो ये बंदा फंस जाता है अपने घर में ही शुरू हो जाता है ठीक है ससुराल वाले सारे भैड़े लगते हैं उन्होंने पेके वाले सारे भैड़े लगते हैं बंदा ज़्यादा नेक हो जाए तो सारे बुरे लगते हैं ना वो दोजख में घुस जाता है साथ ही ज़्यादा नेक हो जाए ना बंदा तो वो सीधा दोजख में घुस जाता है यह भी गंदा है यह भी गंदा है सारी गल है दोजख से सारे ही गंदे होंगे तो आप भी दोजख से बड़े होंगे तो अगर इबादत आप में इज्ज़त पैदा कर रही है आजजी पैदा कर रही है आपको अपने से सारे बेहतर लग रहे हैं हर एक की कोई खूबी नज़र आ रही है तो आप ज़रूर कहीं जन्नत में चले गए हैं सारे जनती नज़र आ रहे हैं थोनों फिर तो ठीक है वो इबादत जारी रखो सही पते जा रहे हो ये फ़र्क है ये बात कह रहा हूँ इन्नी गल खोल के जो दसागे तो नंबर नहीं लगन गए एक का एक ही नंबर होएगा अखा बंद करके मान लेंगे 70,000 नंबर सन गल है जी ठीक है क्या नाम है आपका عَلَّمَهُ